Welcome, good evening, and welcome to our show, The Lockdown Chef with me, Furqan. I'm your host and chef for the evening. और आज आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन जो मुझे ई मेल्स कर रहा है, सजेशन दे रहा है. यार आप लोग छा गए हो, ठीक है. मुझे बहुत सारी सजेशन आ रही हैं, बहुत सारी ई मेल्स आ रही हैं कि यार ये बनाना सिखा दो, ये सिखा दें, जो आप बना रहे हैं वो बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच कि आप जो मेरी रेसिपीज़ हैं उनको बना रहे हैं, उनको ट्राई कर रहे हैं और हमें फीडबैक्स दे रहे हैं. चलते हैं आज के एपिसोड पे कि आज हम क्या बनाना सीखेंगे. तो हम एक समोसों की रेसिपी बताएंगे आपको आज, जो जिसके अंदर एक फिलिंग होगी चीज़ की, चिकन की, और एक डिफरेंट फिलिंग होगी आलू की और चिकन की, ठीक है. हमारी दूसरी डिश होगी एक प्रॉन चाउमीन, अ वेरी नाइस, वेरी इजी, वेरी क्विक रेसिपी. और तीसरा आज हम बनाएंगे एक डिज़र्ट. तो जो हमारा डिज़र्ट है ना, इट्स अ सिंपल पैनकेक, बट व्हाट्स द डिफरेंस इन दिस रेसिपी, दीज आर जापानीज सूफले पैनकेक्स. चलते हैं पहली डिश की तरफ कि पहले डिश के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. सो फॉर द डो, हमें डो के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है. हमें डो के लिए चाहिए फ्लावर, ज़ीरा, सॉल्ट, ऑयल और पानी. हम फ्लावर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे ज़ीरा. हम थोड़ा सा ज़ीरा डालते हैं. अगर आपको ज़्यादा ज़ीरा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ज़ीरा डाल लें. मुझे पर्सनली आई लव क्यूमिन, सो आई वुड ऐड अ लिटिल बिट मोर क्यूमिन, ठीक है. थोड़ा सॉल्ट, ठीक है. हम इसमें डालेंगे ऑयल और हम इसमें डालेंगे पानी. अच्छा, जो पानी है ना वो आप साथ साथ आराम से डालते रहें. एंड डोंट बी अफ्रेड कि हाथ गंदे हो रहे हैं यार, डो बना रहे हैं, तो टेक इट ईजी, आराम से हाथों से डो बनाना शुरू करें और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें. पहले इसको मिक्स करेंगे. ये सब को हमने मिक्स कर लिया है ताकि वो जितना हमने अब कुछ डाला है वो ज़रा मिक्स हो जाए, ठीक है. ये थोड़े से टुकड़े इसके या बिट्स बन जाएंगी, ठीक है ना. यू नीड दैट क्रम्बल एक्चुअली, ठीक है. अब हमने क्या करना है, हम इसको ना ऑलमोस्ट घंटे के लिए ना फ्रिज में रख देंगे. उसकी वजह क्या है कि डो हमारी, अगर आप देख सकते हैं हमारी डो काफ़ी नरम है, तो हमने ये कुछ पट्टियाँ हैं जो हमने काट के रखी हैं. आपने क्या करना है, जब आपकी डो जो है उसका गुलन फॉर्म हो जाएगा, आप फ्रिज से निकाल लेंगे, आपने उसको रोल आउट करना है और उसमें से पट्टियाँ काट लेनी है. तो हमने दो टाइप के समोसे बनाने हैं, हमने एक आलू के और चीज़ के बनाने हैं और एक चिकन और चीज़ के हैं. सो यू नीड पोटेटोस, आप इनको बॉयल करके मैश करके रख लें. यू नीड चिकन, यू नीड टर्मरिक, ठीक है. हमें रेड चिली फ्लेक्स चाहिए होंगे, हमें पेपरिका चाहिए होगा, हमें धनिया पाउडर चाहिए होगा, हमें ज़ीरा चाहिए होगा, हमें नमक चाहिए होगा. आप साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं, ठीक है. एंड वी नीड चीज़. अब हम क्या करेंगे, हमने आलू पकड़ते हैं, ठीक है. हम एक फोर्क ले लेंगे, ठीक है, और हम इसके अंदर अपने सारे स्पाइसेस डाल लेंगे. हम थोड़ा सा टर्मरिक डालेंगे, थोड़े रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है. हम पेपरिका डालेंगे, तो हम थोड़ा धनिया पाउडर डाल लेंगे, हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर और हम डालेंगे नमक. नमक के बगैर किसी चीज़ का फ्लेवर नहीं निकलता. अब हम क्या करेंगे, और हमने इसमें ना थोड़ी चीज़ भी डालनी है, ठीक है. अब हम इसको मैश कर लेंगे और ये हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो अब रेडी हो चुका है. अब हम इसको साइड पे रखेंगे और हम लेंगे अपना चिकन. अच्छा, चिकन मैंने उबाल के ना, मैंने उसको श्रेड कर लिया हुआ है, तो अब चिकन को थोड़ा श्रेड कर लें. ये हम थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल स्टाइल रखेंगे, इसमें थोड़ा देसी टच कम डालेंगे, तो हम इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे. हम सॉल्ट डालेंगे, पेपर डालेंगे, ये सारी मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर. हमने चीज़ डाल दी, ये रेड चिली फ्लेक्स फॉर अ लिटिल बिट ऑफ केक. हम डाल देंगे थोड़ा सा पेपरिका फॉर द कलर. अब मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ये मिक्स्ड है. हम इस मिक्सचर को भी साइड पे रख लेते हैं. अब हम इसको इक्वली काट लेंगे. सबको आप ऐसे पाइल अप कर लें क्योंकि हमने एक के ऊपर दूसरी रखनी है. इन हाफ, और ये हमारी डो जो है वो दो हाफ्स में ना कट गई है, दो पीस लें, ठीक है. उसके अंदर हम पहले आलू की फिलिंग करेंगे, ठीक है. सो लेट्स टेक आवर पोटैटो फिलिंग. हमने ये किया, हमने ये इसके ऊपर किया, थोड़ा सा प्रेस डाउन कर लें, ठीक है, यू कर लेंगे, ठीक है. और अब हम एक अपना इसी फोर्क लेंगे एंड वील जस्ट, इसलिए आपको इसके अंदर कोई अंडा लगाने की या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो दीज विल बी लाइक योर लिटिल पोटैटो पार्सल्स, ठीक है. ये ऐसे ही बंद हो जाएगा,
इसमें हम डालते हैं हमारी चिकन की फिलिंग जो है, चिकन एंड चीज। फिलिंग आ गई है, अब हम इसी तरह तीन पट्टियाँ इनके भर देंगे। ओके, सो ये जो हमारा आखिरी समोसा था ये भी रेडी हो गया। पैन ले लिया, ठीक है, चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें हम डालते हैं ऑयल। हम क्या करेंगे, चिकन वाले समोसे से स्टार्ट करते हैं। हम अपने समोसे इसके अंदर डाल देते हैं। हमने डो बनाई थी वो पफ होना शुरू हो रही है। सो हमारे जो ये समोसे थे ये रेडी हो चुके हैं। हम इनको निकाल लेंगे और हम इनको एक प्लेट के ऊपर ड्रेन कर लेते हैं ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। हम क्या करेंगे, हमारे जो आलू वाले समोसे थे हम उनको इसमें डाल देते हैं। रेडी है, ओके। सो ये जो हमारे समोसे हैं ये भी रेडी हो गए हैं। हम क्या करेंगे, हम प्लेट को दोबारा पकड़ लेते हैं और हम इसमें समोसे निकाल लेते हैं हमारे, ठीक है, ताकि हमारा जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। इसको मत रख देते हैं। इसके साथ साथ हमने एक क्विक सी सॉस बनाई हुई है जिसमें एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं है, चिली, टमेटोज, गार्लिक, अनियन, और हम इसको हल्का सा ना इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे, थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो समोसे थे, पार्सल्स, चिकन पार्सल्स, आलू वाले समोसे, आलू पार्सल्स, ये जो हैं ये रेडी हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी डिश की तरफ। हमारा मेन कोर्स जो है प्रॉन चाउमीन, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी क्विक, ठीक है। पहली चीज़ ऑब्वियसली वी नीड प्रॉन्स, ठीक है, हमें चिली गार्लिक केचप चाहिए, हमें शुगर चाहिए, हमें सॉल्ट चाहिए, हमें चिकन पाउडर चाहिए, हमें ऑयस्टर सॉस चाहिए, हमें सोया सॉस चाहिए, एंड वी नीड एग नूडल्स। उसके साथ साथ वी नीड सम वेजिटेबल्स एज वेल। हम थोड़ी सी कैबेज जो है उसको चॉप कर लेंगे। साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हमें कैरेट पील करनी है, सो लेट्स जस्ट पील आवर कैरेट। फिर से जूलियन काट लेंगे। जिस तरह के आपको, अगर आपको याद हो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जूलियन किसे कहते हैं या मैस्टिक्स किसे कहते हैं, ये हमारी कैरेट जो है वो भी कटती है, ठीक है, हम ये डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरी भी कैप्सिकम ले लेते हैं, ठीक है, ये भी डिस्कार्ड कर देंगे। इसके अंदर के जो सीड्स हैं हम वो निकाल देते हैं। ओके, सो ये हमारी कैप्सिकम है। अच्छा, इसका जो ये वाइट वाला पार्ट होता है ना कैप्सिकम का, ये प्लीज़ काट दें क्योंकि ये थोड़ा सा बिटर होता है, तो नोबडी वांट्स टू ईट अ बिटर कैप्सिकम। हमें एक्चुअली पहले जो हमारे प्रॉन्स हैं ना, हम अपने प्रॉन्स फ्राई करने हैं, सो उसके लिए हमें गार्लिक की ज़रूरत होगी। सो लेट्स जस्ट, ये हो गया इसको, That would be enough. और हम इसमें गार्लिक डाल देंगे। हमारी गार्निश में भी काम आएगा, हमारी डिश में भी काम आएगा, ठीक है। गार्लिक को देखते रहें, डोंट लेट इट बर्न, ठीक है। अच्छा, जैसे गार्लिक हल्का सा सॉटे हो जाए, ठीक है ना, हमने क्या करना है, हमारे जो प्रॉन्स है ना वो हमने इसमें डाल देने हैं। एक हल्का सा स्क्वीज ऑफ लेमन जूस, बिकॉज सी फूड एंड लेमन गोज हैंड इन हैंड, इट्स लाइक अ मैच मेड इन हेवन। ओके, दिस इज डन, दिस इज डन। हम इसको पैन में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम इसी पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, ठीक है, तो जितनी वेजीज है ना वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, डाल दें, थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे ऑयस्टर सॉस, ठीक है, इसमें डाल देंगे थोड़ी सोया सॉस, चिली गार्लिक,
और थोड़ी सी शुगर टू कट डाउन ऑन दैट सोया. कुक डाउन द सोया सॉस. ठीक है, बाकी सब रेडी है. और इसके साथ साथ हम डाल देंगे हमारे एग नूडल्स. अच्छा, जो एग नूडल्स हैं हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिए हैं. सो वी विल जस्ट पोर इट इनसाइड हियर. ठीक है, और अब हमने क्या करना है, हमने बस इसको टॉस करना है. हम साथ साथ क्या करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ी सी ऐसी सॉस और डालूंगा. और मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर और डाल दूंगा. ठीक है, तुम्हारा जो प्रॉन चाउमिन है ना वो हो गया है रेडी. सो पैनकेक्स के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ. हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज, मेल्टेड बटर, आइसिंग शुगर, फ्लावर, सम ग्रैनुलेटेड शुगर, सम बटर, सम मिल्क और कुछ एग्स. ठीक है, तो इसके लिए जस्ट कट द टिप ऑफ. ठीक है ना, इसको कर लेते हैं. ओके, ये कट गई हैं. हम क्या करेंगे, पैन ऑन करते हैं और हमारी ये जितनी स्ट्रॉबेरीज हैं हम ये इस पैन में डाल देंगे. आपको कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट ही ये है कि हमने जो इसका लिक्विड है वो ड्रॉ आउट करना है. ठीक है, और इसके साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी शुगर. थोड़ा पैन की हीट कम कर लेते हैं. अब अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे बैटर की तरफ कि हमने बैटर किस तरह बनाना है जो पैनकेक्स का है. हमने इसका योक और जो एग वाइट्स हैं वो अलग करने हैं. तो हम क्या करेंगे, पैन लेते हैं. ठीक है, ये हमारे योक्स अलग हो गए, हमारे वाइट्स अलग हो गए. अच्छा, अब हम ठीक है ये बोल हम साइड पर रख देते हैं और अब हम इसको करेंगे मिक्स. अच्छा, आपने शुगर शुरू में नहीं डालनी. शुगर आप जैसे हल्का सा एक फोमीनेस आ जाए, हल्की सी पीक्स बनने लग जाए, तब हम शुगर डालना शुरू करेंगे. और हमारी जो मरांग्स हैं वो हो गई हैं रेडी. सो ये हमारी एग वाइट्स रेडी हो गई हैं, मरांग्स हमारे रेडी हैं. हम इसको साइड पर रखते हैं. हम सबसे पहले दूध लेंगे. वी जस्ट कम्बाइन, इट्स अ वेरी बेसिक, क्या कहते हैं उसको. तो हम दूध ले लेते हैं और हमारे जो अंडे थे हम अपने अंडे डाल देते हैं इसके अंदर. एक विस्क ले लेते हैं और हम इस विस्क से इसको मिक्स कर लेंगे. हम थोड़ा सा फ्लावर डालेंगे. अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने अपने एग वाइट्स लेने हैं और लिटिल बाय लिटिल अपने जो मरैंग है ना वो इसमें फ़ोल्ड करेंगे. अच्छा, आपने फ़ोल्ड करना है, मिक्स नहीं करना. जिसका मतलब ये है कि जब आप फोल्ड करेंगे ना इसके अंदर आपने बेसिकली एयर डालनी है. सो द मोर यू फोल्ड. ओके, सो ये जो हमारा बैटर है, जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया है. इसके अंदर डालते हैं बटर. ठीक है, और अपने पैन को गर्म होने दें ताकि जो पैनकेक्स हैं वो नीचे स्टिक ना हो. ओके, अब हम क्या करेंगे, सब बैटर लेते हैं और वो ऐसे पोर करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा फ्लफ है इनके ऊपर. देखो, या आप उसमें बटर डालें, ऑयल डालें ताकि वो ना गर्म हो जाए, क्योंकि जितना गर्म होगा कोई चीज़ जो होगी वो चिपकेगी नहीं उसके अंदर. There we go. As you can see कि काफ़ी फ्लफी है, इट्स मोर फ्लफी देन योर बेसिक पैनकेक्स. और ये हमारे पैनकेक्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं. अब हम क्या करते हैं, हम अपना स्पैचुला लेते हैं वापस और हम इनको बड़े केयरफुली
इसको हम साइड पे कर देते हैं, हमने पैन बंद कर देते हैं। वी जस्ट पोर द सॉस ओवर द टॉप। और जस्ट एज अ फाइनल गार्निश हम क्या करेंगे, हम थोड़ी चॉकलेट लेंगे, ठीक है ना, एंड वी विल जस्ट ग्रेट द चॉकलेट ऑन टॉप ऑफ दिस पैनकेक्स। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लफी जापानीज सूफले पैनकेक्स थे वो रेडी है विद मैसूरेटेड स्ट्रॉबेरीज एंड लिटिल ऑफ चॉकलेट ऑन टॉप। आपसे कल मिलेंगे इसी जगह इसी टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़।